हेलो दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर स्टोरीज ऐड कैसे रन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर के ऊपर हम स्टोरीज को ऐड कर सकते हैं। तो हम जो स्टोरी ऐड है वो कैसे बनाते हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। फेसबुक एड्स को रन करने से पहले अगर आप अपने कंप्यूटर के एड्स को चेक करना चाहते हैं कि उन्होंने कैसे एड्स रन किए हैं, कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर रन किए हैं, कैसा उनका एड क्रिएटिव है, कैसी उनकी एड कॉपी है, तो ये सभी चीज़ें मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने ये सभी चीज़ें बताई हैं। तो वो वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर आना है। अगर आपको नहीं पता फेसबुक एड्स मैनेजर कैसे ओपन करते हैं, तो उसके लिए आपको फेसबुक के ऊपर आना है और लेफ्ट साइड में आपको एड्स या फिर एड्स मैनेजर दिखाई देगा। ये अलग अलग अकाउंट के अंदर थोड़ा बहुत ऑप्शन अलग हो सकते हैं। जैसे ही आप एड्स या फिर एड्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो ये हमारा फेसबुक का एड्स मैनेजर है। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा, हम जो एड्स चलाते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है, कैंपेन, एडसेट और एड्स, तीन लेवल के ऊपर हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो स्टोरी एड्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव यानी कि जो हमारा टारगेट है, जो हम इस एड से अचीव करना चाहते हैं, तो वो टारगेट हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और वही रेलेवेंट अगर हम ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं तो फेसबुक उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी एड है उसको ऑप्टिमाइज करेगा और उन्हीं लोगों को ज़्यादा दिखाएगा। अगर मान लो आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए चाहते हैं तो आपको ब्रांड अवेयरनेस यूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों तक आपकी रीच या फिर आपकी जो स्टोरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए तो आपको रीच चूज़ करना है। अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर या फिर आप व्हाट्सअप नंबर के ऊपर या फिर आप किसी भी पेज के ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज़ करना चाहते हैं, यानी कि जो विजिटर्स हैं उनको फेसबुक से रिडायरेक्ट करके अपने पेज के ऊपर या फिर अपने वेबसाइट के ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो आपको ट्रैफिक चूज़ करना है। ऐसे अगर लाइक, शेयर, कॉमेंट चाहते हैं आप, तो इंगेजमेंट चूज़ करना है। ऐप की इंस्टॉलेशन करवानी है तो ऐप इंस्टॉल। अगर वीडियो व्यूज़ इंक्रीज़ करने हैं तो वीडियो व्यूज़, क्योंकि फेसबुक के पास ऑलरेडी जो यूज़र्स हैं उनकी प्रीवियस एक्टिविटीज़ का डाटा होता है और उसी के अकॉर्डिंग जो फेसबुक है वो जो ऑब्जेक्टिव हम चूज़ करेंगे उन्हीं लोगों को ज़्यादा दिखाएगा जो हमारी एड के अंदर और जो सिमिलर जो एक्शन हम चूज़ करेंगे यहाँ पर उसको लेने में इंटरेस्टेड होंगे। ऐसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कन्वर्जन का है, कैटालॉग का है और स्टोर ट्रैफिक का है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल ट्रैफिक का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि मेरे को जो वेबसाइट है उसके ऊपर मैं ट्रैफिक लेके जाऊँगा और स्टोरी एड के थ्रू वो भी। तो यहाँ पर सबसे नीचे हमारे पास ऑप्शन आ गया, स्क्रॉल करेंगे तो हम नेमिंग कर सकते हैं अपने कैंपेन की। तो यहाँ पर मैंने नेम डाल दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज करने के लिए इनको आप नेम डाल सकते हैं। उसके बाद में हमें कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम कैंपेन के ऊपर आ जाते हैं। तो कैंपेन लेवल की जो सेटिंग्स हैं वो हमने ऑलरेडी कर ली। यहाँ पर हमें बाकी किसी भी चीज़ों के छेड़छाड़ नहीं करनी है। आप ए बी टेस्टिंग, अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज है तो आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं दो अलग अलग स्टोरीज के बीच में या फिर दो से ज़्यादा स्टोरीज के बीच में। तो इसको हम एक अलग से वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो ए बी टेस्टिंग है वो हम कैसे कर सकते हैं। और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है, इसको भी हम, ये भी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए होता है। तो फिलहाल मैं इसको ऑफ रहने देता हूँ और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो हमारी स्टोरी होती है वो एक तरह की प्लेसमेंट होती है। फेसबुक अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड दिखाता है, जैसे कि फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर और मैसेंजर के ऊपर। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की प्लेसमेंट होती है, जैसे कि फेसबुक फीड के अंदर, स्टोरीज़ के अंदर या फिर जो राइट कॉलम है वहाँ पर। तो ये सभी प्लेसमेंट होती हैं। अब यहाँ पे हमारा जो एड सेट है वो ओपन हो चुका है और सबसे ऊपर एड सेट का नेम है। उसके बाद में है हमारा ट्रैफिक। ट्रैफिक के अंदर मैं वेबसाइट चूज़ करता हूँ। अगर आप एप्लीकेशन के ऊपर या फिर मैसेज के ऊपर या फिर आप व्हाट्सअप के ऊपर, अपने व्हाट्सअप नंबर के ऊपर किसी को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, जो यूज़र है उनको रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपने जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, जो आपका टारगेट है, आपको वो सिलेक्ट करना है, यानी कि डेस्टिनेशन। उसके बाद में हमारा डायनामिक क्रिएटिव है, इसको आपको फिलहाल ऑफ रहने देना है। ऑफर को भी हम फिलहाल ऑफ रहने देते हैं। उसके बाद में जो हमारा है वो है बजट और शेड्यूल, यानी कि हमें जो बजट है वो कितना रखना है। फिलहाल मैं 200 रुपये रख लेता हूँ। यहाँ पे जो डेली बजट है, आप इसको लाइफ टाइम बजट भी कर सकते हैं और डेली बजट भी चूज़ कर सकते हैं। अगर लाइफ टाइम बजट करते हैं तो आप, जैसे आप 1000 रुपये की या फिर 5000 रुपये की चलाना चाहते हैं तो आप वो अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। फिलहाल मैं डेली बजट रखता हूँ 200 रुपये का। उसके बाद में शेड्यूलिंग का ऑप्शन है, यानी कि हमें कब से स्टार्ट करनी है और एंड डेट हमें यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं।
जैसे ही हम मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम अपना जो ऐड है उसको टाइम के अकॉर्डिंग भी शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे कि मैं सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक ऐड को रन करना चाहता हूँ तो हम वो जो टाइम है वो भी शेड्यूल कर सकते हैं, और 3 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं ऐड को रन नहीं करूँगा, ऐसे ही उसके बाद मैं इवनिंग के अंदर ऐड करूँगा, तो वो चीज़ आप यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हैं। लेकिन जो शेड्यूलिंग है टाइम की, जो शेड्यूलिंग है वो एंड डेट के ऊपर यानी कि लाइफ टाइम बजट के साथ में काम करेगी। जैसे हम यहाँ पर आते हैं एडिट के ऊपर तो ये दिखा भी देता है कि लाइफ टाइम बजट के साथ में ये जो ऑप्शन है ये काम करेगा। उसके बाद में हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है यानी कि ऑडियंस। हमें जो ऑडियंस है वो सही टारगेटिंग करनी है, यानी कि जब सही लोगों तक ऐड जाएगा तभी हमारी ऐड के ऊपर रिस्पॉन्स आएगा। ऑडियंस को हम दो तरीके से सेट कर सकते हैं, या तो हम एक नई ऑडियंस बनाएं या फिर जो ऑलरेडी हमने ऑडियंस सेव कर रखी हम वो यहाँ से चूज करें। तो फिलहाल मैं एक नई ऑडियंस बनाऊंगा और राइट साइड के अंदर आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो फिलहाल लोकेशन के अंदर मैं लोकेशन चूज करूंगा और यानी कि जो मेरे को ऐड है वो कहाँ दिखानी है, तो मैं दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे को जो ऐड है वो दिल्ली के एरिया में दिखानी है। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारा ये सिलेक्ट हो चुका है और उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जो एज है, अब जो ये ऐड मैं बना रहा हूँ ये मैं अपनी वेबसाइट के लिए बनाऊंगा, तो जो मेरी वेबसाइट है उसके लिए जो परफेक्ट एज है वो है 18 से लेकर 30 साल तक, क्योंकि ज़्यादातर लोग सीखने के लिए 18 से लेकर 30-40 साल तक ही इंटरेस्टेड होते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 40 सिलेक्ट करते हैं यानी कि 18 से 40। और जो जेंडर है वो मैं बोथ रहने देता हूँ। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप फीमेल के लिए है या फिर मैन के लिए है तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऑल रहने देता हूँ। और उसके बाद में है डिटेल टारगेटिंग। यहाँ पे हम जो अपने यूज़र्स हैं फिर जो ऑडियंस है उसके बिहेवियर को डालेंगे, यानी कि वो क्या काम करते हैं, कौन सी जॉब करते हैं, कैसे न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, तो और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो आप अपनी ऑडियंस को रिसर्च करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप एज है, जेंडर है, लोकेशन है, लैंग्वेज है, जॉब टाइटल है या फिर वर्क इंडस्ट्री है, वो कौन सी इंडस्ट्री के अंदर जॉब करते हैं, जैसे कि वो फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं या फिर हेल्थ सेक्टर के अंदर काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करते हैं, वो चीज़ें आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही उनका ऑनलाइन परचेज बिहेवियर क्या है, वो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, कौन सी मैगजीन को रीड करते हैं, कौन से न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और कौन से कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं, तो वो सभी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है और उन सभी का यूज़ करके आप यहाँ पर डिटेल्ड टारगेटिंग में अपनी ऑडियंस की टारगेटिंग सही तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे मान लीजिए जो मेरी ऑडियंस है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्टेड होगी, तो यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड डालता हूँ। तो जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है आप यहाँ पे सजेशन में देख भी सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग पॉडकास्ट, ये कोई पॉडकास्ट है इसके अंदर कोई इंटरेस्टेड है तो वो भी यहाँ पे साथ में यूज़र्स, यहाँ पे साथ में जो फेसबुक है उस ऑडियंस का जो साइज़ है वो भी यहाँ पे आपको दिखा देता है। तो फिलहाल मैं डिजिटल मार्केटिंग चूज़ करता हूँ। अब ये एक बहुत ही ब्रॉड टारगेटिंग है, अब इसको नैरो डाउन करने के लिए मैं नैरो करता हूँ। जैसे ही आप नैरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऐसे लोगों को हमें चूज़ करना है यानी कि जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है एंड मस्ट ऑल्सो मैच, यहाँ पे जो मैं डालूंगा उसके साथ भी उसका इंटरेस्ट मैच करना चाहिए। यहाँ पे हम डाल सकते हैं जैसे कि कोई मार्केटिंग का जो पॉडकास्ट है या फिर जो मार्केटिंग की मैगजीन है अगर उसके अंदर कोई इंटरेस्टेड है, या फिर जैसे ही मैंने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया तो थिंक मार्केटिंग मैगजीन है, यानी कि जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी है और थिंक मार्केटिंग जो मैगजीन है इसके अंदर भी है, तो ऐसे लोगों को हमें चूज करना है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही फ्यूअर ऑडियंस दिखा दी। अब मेरे को इसके अंदर थोड़े से और जो ऑडियंस है उसको इंक्रीज करना है। अगर मैं सजेशन के ऊपर करता हूँ तो ये और दिखा दे, जैसे कि ये सोशल मीडिया एग्जामिनर, ये भी एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काफ़ी पॉपुलर है, तो इसको भी मैं अनेबल कर देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे ऑडियंस का साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया। यहाँ पे जो भी हमने एक या दो ऑप्शन डाले हैं उसके बाद में अगर हम सजेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये उनसे रिलेटेड सजेशन दिखा देगा। अब यहाँ पे हबस्पॉट है, स्प्रोट सोशल है, ऐसे ही मैं ये काफ़ी सारे चूज़ कर लूँगा, ये काफ़ी अच्छे जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, तो इनके अंदर जिन बंदों का इंटरेस्ट है इसका मतलब है कि वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काफ़ी नॉलेज रखते हैं और वो इंटरेस्टेड हैं। अगर आप कोई और ऐड चलाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप रियल इस्टेट के लिए ऐड चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं रियल इस्टेट।
और नैरो डाउन के अंदर आप जो इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे वो आप कर सकते हैं, जिनका इन्वेस्टिंग के अंदर भी इंटरेस्ट है, इसके अलावा जो कोई रियल इस्टेट की कोई मैगजीन है उसको रीड करते हैं, वो चीज़ें भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये कंप्लीट आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो डिटेल टारगेटिंग के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, और डिटेल टारगेटिंग करने के बाद में हमारे पास एक ऑप्शन और मिलता है कि ऐसे ही सिमिलर पीपल को ये और ज़्यादा रीच करेगा अगर इस बटन को हम टिक कर देते हैं। तो फिलहाल इसको हम टिक नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पर हम लैंग्वेज चूज़ करते हैं, लैंग्वेज हमारी ऑल रखेंगे। अगर शो मोर ऑप्शन के ऊपर हम फिर से क्लिक करते हैं तो जो कनेक्शन दिखा देता है, यानी कि जो हमने पेज चूज़ किया है उसके साथ में जो पीपल का कनेक्शन है वो क्या होगा, जो पेज को लाइक कर रहे हैं उनको ऐड दिखाएगा नहीं दिखाएगा, जो पेज को लाइक कर रहे हैं उनके सिमिलर पीपल को ऐड दिखाएगा, ये सभी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हमें नीचे स्क्रॉल करना है, और अब आती है हमारी जो स्टोरी ऐड हम चलाने वाले हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए, जो हम स्टोरी ऐड चलाएंगे उनकी प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसके अंदर हम स्टोरी ऐड की जो प्लेसमेंट है वो सिलेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक की बजाय आपको मैनुअल चूज करना है। जैसे ही हम मैनुअल करते हैं तो यहाँ पे फेसबुक प्लेटफॉर्म दिखा देगा, फेसबुक इंस्टाग्राम ऑडियंस और मैसेंजर, तो हम यहाँ से जो ऑडियंस नेटवर्क है उसको हटा देंगे, क्योंकि जो हमारी स्टोरी है वो सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम और मैसेंजर के ऊपर ही दिखाई देती है। अब हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, जैसा कि आपको पता है फेसबुक के अंदर ही काफ़ी सारी अलग से प्लेसमेंट होती हैं, तो हम वो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो फीड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़ फीड के अंदर है, इंस्टाग्राम फीड के अंदर है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर के अंदर है, इन सभी प्लेसमेंट को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, हमें सिर्फ स्टोरीज और रील के लिए यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर रील को भी हटा देते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज और मैसेंजर स्टोरीज ये हमारी सिलेक्टेड हैं, तो इन स्ट्रीम को भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और अब यहाँ पर जो सर्च है मैं इसको भी हटा देता हूँ, जो बाकी की सभी प्लेसमेंट है उनको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ताकि जो हमारी ऐड है वो सिर्फ तीन जगह चलेगी, इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज और मैसेंजर स्टोरीज। अब हमें नीचे स्क्रॉल करना है, और ऑप्टिमाइजेशन और डिलीवरी है इसको हमें ऐसे ही रहने देना है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करने। उसके बाद में हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम ऐड के ऊपर आते हैं तो हम ऐड का नेम डाल सकते हैं, उसके बाद में है आइडेंटिटी, यानी कि जो फेसबुक पेज है वो मैंने अलग से फेसबुक पेज चूज़ किया है, यहाँ पर मैं इसको चेंज करके जो अपना पर्सनल पेज है उसको मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं अपने पेज के लिए एड्स रन करूँगा, और यहाँ पर मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है वो कनेक्ट कर रखा है। अगर आपको नहीं पता कि आप फेसबुक के साथ में इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और उसको क्या बेनिफिट है, तो वो वीडियो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में हम स्क्रॉल करते हैं, और जो एड सेटअप है हमारा, हम ऐड सेटअप करेंगे। अब क्रिएटिव डायनामिक फॉर्मेट और क्रिएटिव को हमें ऑफ रहने देना है। उसके बाद में हमारा है फॉर्मेट, हम सिंगल इमेज या फिर वीडियो यूज़ करेंगे या फिर कलेक्शन है कैरासोल है, तो फिलहाल हम सिंगल इमेज यूज़ करेंगे। और यहाँ पर फिर से आपको स्क्रॉल करना है और ऐड क्रिएटिव के अंदर आना है, और यहाँ पर हमें अपनी जो इमेज है वो ऐड करनी है। ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे और इमेज को हम ऐड करेंगे। जैसे ही हम इमेज को ऐड करेंगे, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है फेसबुक और इंस्टाग्राम स्टोरीज का जो साइज़ होता है वो 1080x1920 पिक्सल होता है, यानी कि 1080 उसकी विड्थ होगी और 1920 उसकी हाइट होगी, क्योंकि ये वर्टिकल में चलेगा। तो हम यहाँ पर जो मैंने ऑलरेडी इमेज बना रखी है, अपलोड करने के लिए आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप इमेज चूज़ कर सकते हैं। स्टोरी की इमेज बनाने के लिए आप कैनवा वगैरह टूल जो है या फिर फोटोशॉप का यूज़ कर सकते हैं, फिर डिज़ाइनर से बनवा सकते हैं। तो उसके बाद में मैं इमेज मैंने सेलेक्ट की है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर इसने दिखा दी जो हमारी इमेज है वो वर्टिकल के अंदर है और स्टोरीज और रील्स के लिए ही वो सही है। तो यहाँ पर हम प्रीव्यू देख सकते हैं, तो मैंने इसी टाइप की इमेज क्रिएट की है जो स्टोरी के ऊपर अच्छी दिखाई देगी। अब हमें डन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो आ चुकी है, और प्रीव्यू देखने के लिए हम यहाँ पर स्क्रॉल कर लेंगे यहाँ से, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर पहले मैं प्राइमरी टेक्स्ट डाल देता हूँ, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है वो क्या दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैंने जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो ऐड कर दिया, और जो हेडलाइन है यानी कि जो कॉल टू एक्शन के लिए जो लाइन होगी वो हमने यहाँ पर ऐड की है। और इनको देखने के लिए अब है डेस्टिनेशन, कि हम जो यूज़र्स हैं जो ऐड देखेंगे उनको कहाँ पर रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो वेबसाइट के ऊपर ले जाना चाहते हैं, फिर किसी फेसबुक इवेंट के ऊपर, या फिर फ़ोन कॉल के ऊपर, जो भी हम चूज़ करते हैं। ये अगर फ़ोन नंबर के ऊपर हमें करना है तो यहाँ पे हमें अपना फ़ोन नंबर, कंट्री कोड सेलेक्ट करना है और फ़ोन नंबर ऐड करना है। तो फिलहाल मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जाऊँगा उन्हें, तो वेबसाइट के अंदर मैं अपनी जो वेबसाइट का URL है वो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा।
वेबसाइट का URL ऐड करने के बाद में थोड़ी देर पहले अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे एरर आ रखा था, अब वो एरर भी रिमूव हो चुका है क्योंकि वो वेबसाइट URL का ही एरर था। अब यहाँ पे हमें बाकी ऑप्शंस को हमें ऐसे ही रहने देना है और यहाँ पे हमारा कॉल टू एक्शन है, जो कॉल टू एक्शन क्या होगा वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर कॉल टू एक्शन चूज कर लेंगे। अब जैसे मैंने वॉच मोर का कॉल टू एक्शन यूज़ किया, अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं मान लो, अगर ऊपर आपने यहाँ पर फ़ोन कॉल सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का चूज़ कर सकते हैं या फिर आप जो व्हाट्सअप नंबर का है वो चूज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर वेबसाइट URL की जगह आप व्हाट्सअप का लिंक भी डाल सकते हैं। तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और जो ट्रैकिंग है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ट्रैकिंग के अंदर होता क्या है कि मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन एड चलाना चाहते हैं, ज़्यादातर जो ट्रैकिंग होती है वो कन्वर्जन एड्स के लिए, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कन्वर्जन का, उसके लिए ज़्यादातर ट्रैकिंग यूज़ होती है। ट्रैकिंग के अंदर क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर फेसबुक पिक्सल लगेगा, ऐसे आपकी एप्लीकेशन के अंदर लगेगा और वो जो हमारी कन्वर्जन है वो ट्रैक हो जाएगी, यानी कि जो यूज़र फेसबुक से जाएगा तो उसको ये ट्रैक कर लेगा कि थैंक यू पेज के ऊपर या फिर जो भी पेज हम डालेंगे ट्रैकिंग के लिए वहां पर कौन से ट्रैफिक सोर्स से गया है, वो चीजें यहां पर ट्रैक हो जाएंगी। तो अब हमारी जो ऐड है वो बन चुकी है। इसका प्रीव्यू देखने के लिए हमें यहां पर जो थ्री प्लेसमेंट है इसके ऊपर आना है और यहां पर एडिट है और यहां पर जो थ्री डॉट्स है इनके ऊपर क्लिक करना है और एक्सपेंड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम एक्सपेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर जो हमारी एड है आप प्रीव्यू देख सकते हैं, जो हमने कॉल टू एक्शन सेलेक्ट किया था वॉच मोर, ये यहां पर आ चुका है, ये देखिए। और ऊपर से हम चेंज कर सकते हैं कि ये इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के लिए है, तो मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ फेसबुक स्टोरीज़। फेसबुक स्टोरीज़ हमने चूज़ की, फिर से थ्री डॉट्स के ऊपर गए और एक्सपेंड के ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ये इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर ये फेसबुक स्टोरीज़ के लिए हमें दिखा देगा, ये देखिए वॉच मोर। ऐसे ही हम मैसेंजर स्टोरीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से और देख सकते हैं हम। अब आपको नीचे पब्लिश का बटन दिखाई देगा और हमें सिंपल पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है और हमारा जो इंस्टाग्राम और फेसबुक स्टोरीज का जो ऐड है वो पब्लिश हो चुका है और ये स्टार्ट हो जाएगा रन होना। अब ऐड को रन होने के बाद में आपको ऐड को अच्छे से मॉनिटर करना है कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ आती हैं। अगर आपने लीड ऐड चलाई है तो कन्वर्जन आ रही हैं, लीड आ रही हैं फिर नहीं आ रही हैं। अगर आपने ट्रैफिक ऐड चलाई है तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जा रहा है नहीं, वो चीज़ें आप गूगल एनालिटिक में चेक कर सकते हैं। या फिर आपने अगर मैसेज का चलाया है तो आपके पास मैसेज आ रहे हैं या फिर नहीं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी सुझाव सजेशन है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।